हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त कृष्णा स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक फैमिली पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो आपका एक यूट्यूब का वीडियो होता है वो फेसबुक पे कैसे शेयर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि बहुत लोग को मालूम नहीं होता है कि फेसबुक पे शेयर कैसे करना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यूट्यूब से अपनी वीडियो कॉपी करते हैं और फेसबुक में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वीडियो होता है वो एक छोटी सी लिंक बन के रह जाता है, उसका जो थंबनेल है छोटा सा रह जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा कैसे शेयर करेंगे कि बड़े से थंबनेल में आपके फेसबुक पेज पर दिखाई पड़ेगा आपका जो यूट्यूब का वीडियो है। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा, आसान शब्दों में बताऊंगा कि शेयर कैसे करना है। तो उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, अगर फेसबुक पे आप वीडियो शेयर करते हैं तो जो वीडियो फेसबुक पे चलने लगती है, जैसे ही वो चलने लगती है, फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, अगर वीडियो चलने लगी तो दोस्तों वो जो वॉच टाइम होता है वो आपके यूट्यूब के वॉच टाइम में ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों, आपका जो वॉच टाइम है वो ऐड कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर जब वीडियो आप शेयर करेंगे उस पर अगर क्लिक करेगा तो आपका वॉच टाइम ऐड होगा, ये मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कैसे ऐड होगा। यूट्यूब पे दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो आप स्क्रॉल करते हैं खट से चलने लगते हैं। तो वो जो वीडियो अगर यूट्यूब से रिलेटेड हैं, अगर फेसबुक पे चल रहे हैं, तुरंत चलने लगते हैं, तो उसका जो वॉच टाइम होता है वो यूट्यूब में कहीं भी ऐड नहीं होता। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए दोस्तों। तो आपका जो वीडियो है उसका वॉच टाइम ऐड कैसे हुआ ये दोस्तों एकदम बारीकी से आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और शेयर सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शेयर कैसे करना पूरा डिपेंड करता है आप फेसबुक पे शेयर कैसे करते हैं अपने यूट्यूब की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं अपने फ़ोन में चल के बताता हूँ करना कैसे है। तो दोस्तों, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन में आ चुका हूँ। यहाँ से आपको करना क्या है कि अगर दोस्तों आपको अपने जो वीडियो शेयर करना है उसका लिंक कॉपी करना है, तो सबसे पहले आप अपने जो यूट्यूब होता है उसके अपने यूट्यूब में जाइए। और अगर आपको दोस्तों पता नहीं है कि बिना अपना जो वीडियो है उसको चलाए आप अपने वीडियो का लिंक कैसे कॉपी कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए कैसे करना है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ जो आपका चैनल का लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने चैनल पे जाना है, योर चैनल। उसके बाद दोस्तों कुछ आपका इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है आपके चैनल का। तो आपको जो भी वीडियो शेयर करनी है उसको सिंपल सा ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करिए और ये कॉपी लिंक का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से दोस्तों मैं कर लेता हूँ अपने वीडियो का लिंक कॉपी, उसके बाद बैक आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में। अब दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी क्रोम ब्राउजर की। क्रोम ब्राउजर में मैं आ गया हूँ, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो मैं अपने क्रोम ब्राउजर में दोस्तों आपको सर्च क्या करना है, youtube2fb.com। ये एकदम सिंपल सी लिंक है दोस्तों, आपको बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है youtube2fb.com और सर्च कर लेना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो दोस्तों, जो पहली वाली ये आपकी लिंक दी गई है youtube2fb, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का पेज अब खुल के आ रहा है। तो यहाँ से आपको अपना जो ये देखिए लिखा हुआ है, पेस्ट ए यूट्यूब लिंक टू कन्वर्जन फॉर फेसबुक। तो यहाँ पे आपको जो आपके यूट्यूब की लिंक है उसको यहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद थोड़ी देर पुश करके रखिए, उसको क्लिक करके रखिए, तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे अब कन्वर्जन का ऑप्शन जो दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। थोड़ा दोस्तों आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो आपकी लिंक है ना वो आप शेयर करेंगे तो थोड़ा आपका थंबनेल बड़ा दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि आपका जो प्रोसेस होगा वो नेट का वो थोड़ी देर में हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए फाइनली इस तरीके का कुछ हमारा जो यूट्यूब का लिंक है वो खुल के आ गया है दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, इसमें दिखाया भी गया कि अगर जब आप अपना वीडियो YouTube के पेज पर या YouTube पे शेयर करते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है, और उसके बाद जब इस लिंक से कन्वर्ट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके के बड़े थंबनेल में दिखता है। तो यहाँ से आपको Facebook का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों शेयर करने के लिए, Facebook और Twitter का। तो Facebook पे क्लिक करिए और डायरेक्ट आप Facebook पेज पे पहुँच जाएंगे अगर Facebook पे शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप Facebook लॉगिन कर सकते हैं।
तो मैं कर लेता हूँ अपने फेसबुक को लॉगिन। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया पोस्ट। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये वीडियो है ये पोस्ट हुआ कि नहीं। तो मैं अपने फेसबुक पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाने के बाद अपने चैनल पे जाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो मैंने अभी शेयर किया फेसबुक पे, तो कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। अगर आप डायरेक्टली शेयर करते हैं तो वो छोटी सी लिंक बन के आता है जहाँ पे किसी की नज़र भी नहीं जाती। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अब इस पे अगर कोई आपका व्यूवर्स जो है फेसबुक पे, अगर आपके वीडियो पे क्लिक करता है, एक भी क्लिक करता है, तो वो वॉच टाइम जो डायरेक्ट आपका यूट्यूब पे जाके खुलेगा, ये पेज जाके आपका यूट्यूब पे खुलेगा और डायरेक्ट वहां से आपका वॉच टाइम ऐड होगा आपके यूट्यूब में। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा।